बहुत विशेष अभियान चलाया गया है, क्या आज करना है? हम लोगों ने लोक सहयोग से वैसे लोगों को जो कि ठंड में बहुत नीडी हैं उनके लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने 200 से ज़्यादा लोगों को कंबल दिया है। वैसे लोग हैं जो कि रोड पे हैं, जिनके लिए बहुत ज़रूरत है कि उनको मदद किया जाए, प्रशासन की ओर से मदद की जा रही है। इसमें डॉक्टर वरुण जी के द्वारा भी काफ़ी हेल्प किया जा रहा है, बाकी हमारे सभी जिला प्रशासन के लोग भी हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे कुछ कुछ आए हुए हैं। पत्रकार मित्रों ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है और आज इस अभियान के द्वारा सभी लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कम से कम वैसे गरीब लोगों के लिए जिनकी इस ठंड के मौसम में ज़रूरत है उनको ज़रूर मदद करें। उनके पास बहुत सारे वैसे कपड़े होंगे, पुराने या गंदे या वैसे कंबल, वो ज़रूर उनको वॉश करके ज़रूर उनको दे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरे के लिए जीना ही जो है सच्चे अर्थों में अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि अपने लिए तो हमेशा हम लोग जीते हैं। मुंह घार लीजिए, चेहरा 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 पीछे कर लीजिए। नहीं पड़ता है वैसा, ऐसे पड़ता नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कंबल मिला है तो? नहीं, कोई और आया था कभी, कोई आया था कंबल उम्बल देने इस सीजन में? नहीं, कोई नहीं आया था। नहीं, आज कौन आया था देने? डीएम साहब। डीएम साहब? डीएम साहब। क्या वो कंबल दिए हैं? एक ठो। ठंडा लग रहा था आपको? हाँ। क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, रात में रिक्शा चलाते हैं? जी सर। और दिन में भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, दिन में नहीं चलाते, सिर्फ रात में चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर ठाकुर। अब अच्छा लग रहा है? हाँ सर। आपको भी मिला कंबल? ला कंबल, कंबल दे बे गुना, कंबल ले ला। डीएम से क्या करिएगा, सब बहुत हो रहा है। फैमिली नहीं है डॉक्टर साहब, उनके वाइफ का है, अपने आइसक्रीम। हाँ, की गई है और रात में सड़क पर चलकर शहर का भी जायजा ले रहे हैं, क्या करना है? इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगा, चूँकि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, रात में रियल जो सिचुएशन होती है वो हम देख सकते हैं, रोड की स्थिति, साफ़ सफाई की स्थिति या दूसरी व्यवस्था जो है यूरिनल की व्यवस्था, उस पर जो भी हमें कमियाँ दिखी है उस पर हम कार्रवाई करते हुए जल्दी ही उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब ऐसे गरीब लोग जो कि भिक्षुक भी है, उनके लिए जो सरकार की योजना है उसको भी लागू करते हुए उनको भी मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।